हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, यानी कि लग्जरी वाला स्वागत है। और अभी करीबन शाम के 6 बज गए हैं, तो मैं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाया। तो गाइस, सुबह तो मैं दोस्तों के रूम पर था, तो गाइस वहाँ से मेरे पास सी केबल चार्जिंग नहीं था, तो वहाँ पर था नहीं मैं, मतलब यहाँ तो था मेरे रूम पर, तो मेरे दोस्तों के रूम पर नहीं था। तो मोबाइल बन रहा रात और दिन भर तक, मतलब तो फिर सुबह 12-11 बजे आया और फिर यहाँ चार्जिंग रखा और फिर ब्लॉग अपलोड किया। और गाइस, सुबह से खाना भी नहीं बनाए, चूरमा बनाए थे बस, वो खा लिए बासी रोटी का। तो और उसके बाद अभी शाम हो गई, तो गाइस छात्रवृत्ति फार्म भी नहीं भर रहा है, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बार बार। और मैं अभी गया नहीं, 2 बजे बुलाया था तो गया नहीं और सो गया था, तो अभी उठा और अभी रूम पर कोई नहीं है, सब जा रखे हैं बाहर घूमने के लिए। सचिन जा रखा है बर्थडे पार्टी में और योगेश बाहर जा रखा है घूमने के लिए, और 2 भैया हैं वो भी जा रखे हैं, और अभी मैं अकेला हूँ इधर। तो गाइस, खाना भी नहीं खाया, तो अभी शायद बनाकर खा लूँगा अकेला मस्त। अभी वो तो बहुत लेट आएंगे, वहाँ तक गाइस मूँगफली खाएंगे, तो घर से दे भेजे हैं बहुत सारी मूँगफली, तो गाइस इनको गर्म कर लिए मस्त और अभी खाएंगे। और भूख लग रही है तो आटा लगा कर रोटी भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से नहीं खा रखे हैं तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। और छात्रवृत्ति फार्म अपनी भर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। और राजू तो अभी बहुत लेट आएगा, अभी अकेला हूँ मैं, डर भी लगता है लेकिन क्या करेगा गाइस। दोस्त भी बहुत दूर दूर रहते हैं, उनसे मिलने जाते, तो कल गया था तो मतलब पालदा रहता है वो, 1-2 किलोमीटर दूर रहता है, वहाँ भी व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वो सर्च करके देखता है, इसलिए मैं उसके साथ व्लॉग नहीं बनाया। और अभी भूख लग रही है तो अभी बना लूँगा, मेरे लिए इतनी रोटी और गोभी बना लेंगे और खाएँगे, क्योंकि गाइस मतलब बनाना पड़ेगा और भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही। बहुत दिमाग ख़राब होता है यहाँ पर, मतलब गमता भी नहीं है क्योंकि गाँव में मस्त रहता है, मम्मी पापा सब रहते हैं, फैमिली तो एकदम मस्त लगता है, और यहाँ पर अकेले ज़िंदगी जीना पड़ता है तो बहुत बकवास ज़िंदगी लगती है। और कल गाइस कॉलेज जाएंगे, अगर कल मैं कॉलेज जाऊँगा और छात्रवृत्ति फार्म नहीं डाले तो मैं बैग उठाकर सीधे बस में बैठकर घर चले जाऊँगा। मेरे को ऐसे भी दिमाग ख़राब हो रखा है, पढ़ना तो है ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम आती है इस पढ़ने में भी। ऐसे भी मेरे को पढ़ना नहीं है, आगे मेरे को यूट्यूबर बनना है, तो मैं उसी पर ज़्यादा मेहनत करूँगा, इसलिए मैं पढ़ने पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। अगर मैं पढ़ने पे फोकस करता तो गाइस फिर पढ़ता ही। मेरे को यूट्यूबर बनना है, ओनली यूट्यूबर बनना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा ज़िंदगी में। हाँ, उसके अलावा ज़िंदगी में बिजनेस करूँगा, यूट्यूबर या बिजनेस, 2 में से 1 ही करूँगा फ़िलहाल, तो अभी यूट्यूबर कर रहा हूँ, आगे बिजनेस करूँगा। तो गाइस, जैसे कि मतलब मेरे को छात्रवृत्ति मिलेगा तो मतलब मिलेंगे करीबन 48,000 मिलेंगे, ऐसे बोल रहे हैं आवाज़ के। तो गाइस ये मैं पक्के में आईफोन लूँगा और फिर आईफोन से ब्लॉग बनाऊँगा और रील भी बनाऊँगा। तो आईफोन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग की क्वालिटी अच्छी आएगी और मज़ा आएगा ब्लॉग डालने में भी आईफोन से, और लड़की वड़की बढ़ जाएगी आईफोन रहेगा तो, क्योंकि गाइस आजकल लड़कियाँ पैसे देखती है, मतलब जेब में पैसे होना चाहिए लड़कों के पास, तभी सेटिंग होती है। ऐसे मेरी सेटिंग नहीं है, सिंगल हूँ मैं, अभी बीए कर रहा हूँ यहाँ पर, स्कॉलर मिलेगी तो सीधे आईफोन ले लूँगा और फिर तो यूट्यूबर बनने की फुल कोशिश रहेगी। तो गाइस, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि खाना भी मेरे को ही बनाना है और सब्ज़ी भी मेरे को ही बनाना है। तो गाइस, खाने में तो रोटी बनाऊँगा, मतलब रोटी बनेगी और गोभी है वो बनाएंगे और मस्त बनाकर खाऊंगा। अभी फ़िलहाल जस्ट मूँगफली खा रहा हूँ, देसी मूँगफली है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक मार दो यार, अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे भी वो तो आते नहीं है, 1 या 2 आते हैं, फिर भी मैं सोच लिया कि डालना तो डालना, मतलब रोज़ वीडियो डालना। तो पसंद आए तो लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते अगले ब्लॉग में, बाय।